बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो पड़ रही है, मुझे कुछ भी खास नहीं दिख रहा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ और निकलने लगी हूँ अपने काम के लिए, और मुझे थोड़ी सी ना स्वेटिंग भी हो रही है, पता नहीं क्यों, मेरे को लगता है बाहर का टेम्परेचर प्लस में है इसलिए। सो निकल के देखते हैं कैसा है बाहर का वेदर और फिर चलती हूँ काम पे। ये मैं बाहर आ गई हूँ और कल रात को हो रही थी फ्रीजिंग रेन, बट अभी तो सिर्फ बारिश ही हो रही है, लेकिन रात को थी फ्रीजिंग रेन। ये अपना बैग रख लिया है। फिलहाल मैं कार में बैठ गई हूँ, बाहर काफी बारिश जैसा मतलब अभी हो रहा है कि हाँ बादल हैं और आ भी सकती है, वैसे अभी तो रिमझिम सी आ रही है, लेकिन रात भर काफी फ्रीजिंग रेन हुई है और थैंक गॉड अभी नहीं है, वरना चलाने में कार काफी दिक्कत आ जाती। अभी मुझको ये ट्रेलर को हुक करके इसे एक पास की कंपनी में ड्रॉप करना है, सो मैं इसे हुक करने लगी हूँ और इसके बाद मैं यहाँ से निकलूँगी। हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी भी, मुझे लगता है आज काफ़ी बारिश होने वाली है बिकॉज बादल काफ़ी आए हुए हैं। सो इस ट्रेलर को हुक करके फिर एक कंपनी जो पास की है वहाँ पर जाके देखती हूँ कि वहाँ पर बैकअप करना है, क्योंकि उन्हें लोड करना होगा, ये एम्प्टी ट्रेलर है। अभी मैं इसकी डोर जाके देख कर आती हूँ कि ढंग से बंद है या नहीं। डोर का लॉक ढंग से लग रहा है, सब ओके है। एक बार आई थिंक इसे चेक भी कर लेना चाहिए कि एम्प्टी ही है ना। सेकेंड एम्प्टी है, अब लेकर निकलती हूँ ट्रेलर को, ड्रॉप करके आती हूँ। जो ट्रेलर मैंने पिक किया था उसको ड्रॉप कर दिया जहाँ कंपनी में करना था, उसके बाद मैंने ये दूसरा ट्रेलर भी पिक कर लिया इसे हुक करके। अब मैं एक कंपनी में आई हुई हूँ जहाँ पर मैंने डिलीवरी कर दिया ऑलरेडी, अब मुझको जाना है ब्रोमोंट। सो मैं इतनी खुश हूँ ना कि मैं फाइनली ब्रोमोंट जा रही हूँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कितने दिन हो गए मैं ब्रोमोंट का मुझे दिया ही नहीं डिस्पैचर ने ना। सो ब्रोमोंट, अगर जो नए लोग हैं उन्हें नहीं पता होगा कि ब्रोमोंट है अराउंड 80 किलोमीटर, 70 to 80। सो वहाँ पर क्या है कि वहाँ जाने में भी 1-1.5 घंटा आराम से या 2 घंटे लग जाते हैं और आने में भी इतना ही लगता है। सो काफ़ी टाइम आप एक ही मतलब स्विच में काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो, 6-7 आवर्स, अराउंड 6 आवर्स तो आप कर सकते हो। सो काफ़ी अच्छा रहता है अगर ब्रोमोंट मिल जाता है, बिकॉज उसके बाद कुछ आपको कुछ करना नहीं होता पूरे दिन का, ऑलमोस्ट हो जाता है काम, 6 आवर्स तो आपके वहीं लग जाते हैं, तो काफ़ी ठीक रहता है, इसलिए ब्रोमोंट जाने में ज़्यादातर लोगों को खुशी मिलती है।
अभी निकल रही हूँ ब्रोमोंट के लिए एंड यहाँ पर मैं रास्ते पर हूँ। बारिश जैसा बहुत तेज बारिश आने वाली है ऐसा लग रहा है मुझे, और मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि वहाँ पहुँच कर कहीं स्नो ना पड़ रही हो या फिर बहुत ज़्यादा रेन ना हो रही हो उस जगह पर। सो उसका कोई आइडिया नहीं है मुझे, वो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अभी तो मैं सर्विस लेन पे हूँ और इस वाले साइड पर होना है मुझे, मतलब लेफ्ट में होना है बिकॉज लेफ्ट में हाईवे जा रहा है। सो लेफ्ट में होना है, और वैसे तो मैं दूसरे तरीके से भी जा सकती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि दूसरे वाला रास्ता ही ले लेती हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा इस वाले से। देख लेते हैं, दोनों रास्ते अच्छे हैं, एक है 13 साउथ हाईवे और एक 15 हाईवे है, तो डिपेंड करता है। जा रही हूँ ब्रोमोंट अगेन, ये मेरा सेकंड राउंड है ब्रोमोंट के लिए। पहले वाले में तो मैं आ गई थी अराउंड 4:30, बट यहाँ पे अंधेरा दिख रहा है ना सारा, इसलिए बिकॉज यहाँ पर 4:30 के बाद अब अंधेरा हो जाता है। और अभी अराउंड 5:15 या 5:30 हो रहे होंगे, मैं दोबारा जा रही हूँ ब्रोमोंट बिकॉज आज दो राउंड लगाने थे ब्रोमोंट के। अभी रास्ते में हूँ, ये बहुत सुंदर सा ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से जा रही हूँ एंड मेरे ख्याल से अभी एक घंटे तक पहुँच जाऊँगी, एक या फिर 1 आवर 15 मिनट समथिंग।
ब्रिज के ऊपर से जा रही हूँ। काफ़ी ट्रैफिक सा हो रहा है इस टाइम पर, बट जब लौट के आऊँगी वापस तब ये ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगा। उस साइड पर ट्रैफिक नहीं है इतना, उस साइड पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, इसी साइड पर रहता है ज़्यादा, जब जाते टाइम रहता है, लौटते आते टाइम नहीं रहता। सो 5:30 अराउंड हो रहे हैं, 6:30 बजेंगे पहुँचते पहुँचते, वहाँ से निकलते मैं अराउंड 7 बजेंगे, फिर यहाँ आते आते अराउंड 8:30 काम ख़त्म करते करते अराउंड 9:00 एंड देन घर आऊँगी, 9:30 अराउंड हो जाएंगे आज घर आते आते। वापस जा रही हूँ और विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है, मुझे कुछ भी खास नहीं दिख रहा। मैं बहुत ही स्लोली ट्रक लेके जा रही हूँ, पूरा स्नो हो गया चारों तरफ, बिकॉज इस एरिया में स्नो पड़नी थी तो बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है यहाँ पर, और मुझे कुछ खास भी नहीं दिख रहा। मेरी स्पीड सिर्फ 60 पर ही है। वेदर, इस एरिया का वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। चारों जगह स्नो हो चुकी है, मतलब बिल्कुल भी आगे लेन भी नहीं दिख रही है मुझे, तो मैं तो जो आगे जा रहे हैं व्हीकल्स उनके उनको फॉलो करते हुए जा रही हूँ। अभी मैं मॉन्ट्रियल में एंटर कर गई हूँ और मॉन्ट्रियल में ऐसा लग रहा है कि कैसे कोई पानी तक नहीं पड़ा, कभी कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ही सूखा सा सारा सड़कें, और वहाँ ब्रोमोट में इतनी तेज स्नो हो रही थी। अभी यहाँ पर तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है ऐसे कि कुछ, मतलब बिल्कुल साफ़ है यहाँ का वेदर, और वहाँ पर इतनी स्नो थी। पूरा मॉन्ट्रियल इतना सुंदर दिख रहा है यहाँ से, सामने सारी लाइट्स चलते हुए, बिल्डिंगों की इतनी, इतना प्यारा लग रहा है। इतना खूबसूरत लग रहा है ये ब्रिज के ऊपर से, पानी के ऊपर चल रही हूँ अभी मैं, ये ब्रिज है और ये सारा सामने डाउन टाउन का सारी लाइट्स सब कुछ, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग